हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुणाल परार आपका स्वागत करता हूं इम्ब्यून टेक्निकल्स विद कुणाल में। आज हम लाइव चार्ट एनालिसिस करेंगे। यस दोस्तों, लाइव चार्ट एनालिसिस एंड वो भी हम करेंगे कमोडिटी बुलियन यानी कि सिल्वर के ऊपर करेंगे एंड क्या मोमेंटम हमें देखने को मिली उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। एंड दोस्तों, ये ट्रेडिंग सेटअप जिसके बारे में हम बहुत पहले कई सारे वीडियो में आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं एंड आपको बता चुके हैं, वही सेटअप आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी लाइव चार्ट पे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जहां पे जाकर आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जहां पे हम टेक्निकल के बारे में काफी कुछ सिखाते हैं एंड फ्रेश रिकमेंडेशन भी देते हैं, प्लस डेली न्यूज एनालिसिस के बारे में भी काफी सारी बातें करते हैं। एंड जीफी डीमैट अकाउंट ओपनिंग की भी लिंक दी है, आप जीफी डीमैट अकाउंट भी ओपन कराते हो। एंड दोस्तों, अगर आप जीफी डीमैट अकाउंट ओपन कराते हो तो उसके साथ आपको एक काफी अच्छा चार्टिंग सॉफ्टवेयर मिलेगा, जिसके बेस पे जाके आप डेली, मंथली, वीकली एंड इंट्राडे चार्ट एनालिसिस करते हो। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जीफी का ही चार्ट यूज किया है, जो काफी नीट एंड क्लीन है। एंड इसके बेस पे जाके आप इजिली कोई भी टाइम फ्रेम पे चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। एंड दोस्तों, जीफी चार्ट पे हमने काफी सारे ऐसे टूल्स दिए हैं जो आपको काफी हेल्पफुल रह सकते हैं डे टू डे चार्ट एनालिसिस में। तो आइए दोस्तों, सिल्वर का चार्ट एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, अगर अभी की बात करूं तो अभी 11:30 हुए है, 24 जुलाई, आप यहाँ पे देख सकते हो 11:30 हुए है। तो ये टाइम एंड डेट में इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लाइव चार्ट है, लाइव मार्केट है। तो आइए दोस्तों, जो ट्रेडिंग सेटअप का हम डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पहले एक बार क्रॉस हैच सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि क्या मोमेंटम, कितने बजे मोमेंटम एंड क्या मूवमेंट रही है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 50 MA लगाया है ऑन 5 मिनट चार्ट, आप देख सकते हो 50 MA का बाजू में लिख के आ गया है 50 MA एंड इट्स अ 5 मिनट चार्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स अ 5 मिनट चार्ट एंड काफी नीट एंड क्लीन चार्ट है। अगर दोस्तों, अगर आप कोई भी एनालिसिस करते हो तो चार्ट का नीट एंड क्लीन होना काफी जरूरी है ताकि आप हल्की से हल्के मूवमेंट भी आप देख सको एंड उसके बेस पे आप अपना डिसीजन ले सको। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 50 MA लगाया है ऑन 5 मिनट चार्ट एंड दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस हिसाब से 50 MA का सपोर्ट सिल्वर ने यहाँ पे लिया था। अगर ये पीरियड की बात करूँ दोस्तों, तो 23 जुलाई का कैंडल है, 9 बजे के बाद का कैंडल है एंड लगातार 50 MA का सपोर्ट लेने के बाद काफी अच्छी मोमेंटम हमें सिल्वर में देखने को मिली थी दोस्तों। एंड नो डाउट यहाँ पे आप देखो कि हमें 50 MA का ब्रेकडाउन भी देखने को मिला एक बड़ी कैंडल के साथ, यानी कि सेलिंग भी आते हुए दिखा, लेकिन दोस्तों जो कैंडल का लो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। दोस्तों, कोई भी कंफर्मेशन के लिए हमें नेक्स्ट कैंडल में वो ब्रेक या वो हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है, जबकि यहाँ पे वो जो कैंडल है, बड़ी कैंडल है जिसने ब्रेकडाउन किया है, उसका लो ब्रेक होते हुए हमें नहीं दिखा है एंड वहीं से सडन स्पॉट हमें सिल्वर में आते हुए दिखा है। एंड उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हो काफी अच्छी मूवमेंट अब हमें सिल्वर में देखने को मिली। एंड दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो ये फर्स्ट इंसन है, ये सेकेंड इंसिडेंट है एंड ये थर्ड इंसिडेंट है जहाँ पे सिल्वर ने एक ब्रेकडाउन दिया 50 MA के नीचे। उसके बाद देख सकते हो ये जो ब्रेकडाउन लेवल की बात करूँ तो 61,553 का लेवल है। उसके बाद के लेवल की बात करूँ तो दोस्तों, हमें 60,857 तक की डाउनसाइड की मूवमेंट सिल्वर में आती हुई दिखी। दोस्तों, ये ब्रेकडाउन के साथ आपको ये भी डिसाइड करना है, यह भी देखना है कि जो कैंडल है वो कैंडल का जो विड्थ है वो कितना है, यानी कि अगर कैंडल लॉन्ग है, डिसीजिव कैंडल है, तो ही आपको ये ट्रेडिंग सेटअप के साथ जाना है। अगर शैडो बड़ा है या कैंडल बड़ी स्मॉल है तो आपको इसके साथ नहीं जाना है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैंडल भी बड़ी है। अगर मैं बात करूँ 23 जुलाई है, 8 बजे का कैंडल है, आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे टाइम भी लिख के आ गया है 23 जुलाई का। ये कैंडल बड़ा भी है प्लस 50 MA के ऊपर का ब्रेक ब्रेकआउट भी दिया है एंड उसके ऊपर जो कैंडल का हाई है उसके ऊपर जाने के बाद काफी अच्छी मोमेंटम हमें सिल्वर में आती हुई दिखी। दोस्तों, अगर ये ब्रेकआउट लेवल की बात करूं तो अराउंड 61,437 के अराउंड का लेवल है। उसके बाद अगर सिल्वर ने जो हाई बनाया है वो है 62,231 अराउंड का है, यानी कि काफी अच्छी मोमेंटम हमें उस बेस पे सिल्वर में आती हुई दिखी। एंड दोस्तों, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 50 MA का ब्रेकडाउन मिला, वो भी बड़ी कैंडल के साथ, और जो कैंडल का लो था वो है 61,246 का था। एंड ये जो कैंडल का जो हाई है वो जो कैंडल का हाई है दोस्तों, वो है 61,595 अराउंड का। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि नो डाउट सेकंड कैंडल में ये जो
कैंडल है उसका ब्रेकडाउन हमें आते हुए मिला एंड वहां से हमें एक स्पॉट आते हुए मिला, लेकिन यही कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ एंड वहीं से हमें लगातार एक डाउनसाइड की मूवमेंट सिल्वर में आती हुई दिखी एंड उसके बेस पे सिल्वर ने नीचे में 60,515 तक के लो बनाए। तो दोस्तों यह है 50 MA और 5 मिनट चार्ट जिसका डिस्कशन हमने पहले बहुत बार किया है। एंड दोस्तों मैंने आपको इंडिसिव कैंडल के बारे में भी बताया कि अगर इंडिसिव कैंडल बनता है कोई ट्रेडिंग सेटअप के आपको नहीं जाना है तो वो इंडिसिव कैंडल कैसी होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यह है इंडिसिव कैंडल यानी कि जो वीक है जो शेडो है वो दिख रहा है, कैंडल बॉडी जो है वो है लो है एंड इसके बेस पे जाकर कोई भी डिसीजन हमें नहीं लेना है। तो दोस्तों प्लीज फॉलो माई यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द टेक्निकल विद कुणाल फॉर मोर ट्रेडिंग सेटअप। ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एंड ऐसे बहुत सारे चार्ट है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एंड प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल बियॉन्ड द टेक्निकल विद कुणाल एज वेल फॉर दिस काइंड ऑफ चार्ट सेटअप एंड टेक्निकल सेटअप एंड फ्रेश रिकमेंडेशन। थैंक यू।